राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार आज फिर हाजिर हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि मरने के बाद इंसान भूत बनते हैं तो जानवर पशु पक्षी क्यों नहीं बनते। दोस्तों, भूत प्रेतों की बातें तो आपने बहुत सुनी होगी कि फलानी जगह पर यहाँ पर एक्सीडेंट के साथ एक आदमी मरा हुआ है तो वहां पर जाने से भी लोग कतराते हैं। वहीं अगर कोई डांगर पशु भी मरता है तो उससे लोग बिल्कुल भी नहीं डरते। वहीं अगर कोई लाश पड़ी है तो आदमी गुजरता है और देखता है कि यहाँ पर कोई लाश है तो बहुत ही डर जाता है। लेकिन वहीं पशु पक्षी मरे पड़े हैं तो हम उसके नजदीक को निकल जाते हैं और कभी भी भय नहीं खाते। दोस्तों, ऐसा क्यों? मरे हुए आदमी से लोग इतना डरते हैं जबकि बड़े से बड़े पशु पक्षी मरते हैं, जैसे कि हाथी भी कोई मरा पड़ा है तो उससे भी लोग नहीं डरते। उससे क्यों नहीं डरते और आदमी से क्यों डरते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मरने के बाद इंसान भूत बनते हैं तो पशु पक्षी जानवर भूत क्यों नहीं बनते? राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं हमारे इसी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है कि मरने के बाद इंसान भूत प्रेत बनते हैं, जानवर क्यों नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि मरे हुए इंसान से लोग बहुत डरते हैं कि फलानी जगह पर आदमी मरा हुआ है पहले एक्सीडेंट के साथ, वहां नहीं जाना चाहिए, बहुत डर लगता है। वहीं अगर कोई डांगर पशु मरता है तो उससे लोग बिल्कुल भी नहीं डरते। दोस्तों, वो भी तो मरा है, उससे क्यों नहीं डरते और आदमी से क्यों डरते हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। जबकि आपने सुना होगा कि आदमी मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं तो पशु पक्षी भूत प्रेत क्यों नहीं बनते? क्या आपने कभी दोस्तों सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? पशु पक्षी भूत प्रेत क्यों नहीं बनते और आदमी भूत क्यों बनते हैं? दोस्तों, कृपया वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छे से समझाएंगे कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, इंसान की लाश देखते ही हमारे भीतर भय हो जाता है और हम डर जाते हैं कि आदमी की लाश पड़ी है, बहुत डर जाते हैं दोस्तों और हमारा पसीना छूटने लग जाता है। वहीं अगर बड़े से बड़ा जानवर हाथी तक भी मरा पड़ा है तो उसको नजदीक हम जाकर देखते हैं कि ये कैसे मरा और उससे हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। दोस्तों, पशुओं से डर क्यों नहीं लगता, मरे हुए से इंसान से डर क्यों लगता है? आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा, तो आज इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ये बात सत्य है कि जो लोग अकाल मृत्यु मरते हैं तो वो भूत प्रेत भी बनते हैं दोस्तों। और अकाल मृत्यु तो पशु पक्षी मरते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट के साथ पशु भी मरते हैं, तो वो भूत प्रेत क्यों नहीं बनते? बल्कि दोस्तों, हमें जीते हुए पशु से डर लगता है बल्कि मरे हुए से नहीं। जैसे कि किसी हिंसक पशु को हम देखते हैं तो डर जाते हैं कि कहीं हमें मार ना दे या टक्कर ना मार दे, और वहीं अगर वो पशु मरा पड़ा है तो उससे हम नहीं डरते। वहीं जिंदे हुए इंसान से हम बिल्कुल नहीं डरते, और किसी की लाश पड़ी है या कोई एक्सीडेंट अचानक हुआ है और हम जा रहे हैं रोड पे तो बहुत डर जाते हैं कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हमारी वीडियो का मकसद यहाँ पर अंधविश्वास फैलाना या भूत प्रेतों पर चर्चा करने का नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल होते हैं, तो ये सवाल मुझसे दोस्तों मेरे लड़के ने किए थे और तभी मेरे माइंड में आया कि इस पर मैं एक वीडियो बना दूं। तो चलिए दोस्तों, अब समझाते हैं आपको। देखिए, ऐसा है, जब प्रभु ने भगवान ने सृष्टि रची तो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, यानी कि मनुष्य के अंदर दोस्तों आत्मा डाली जाती है। जो परमेश्वर के अंदर आत्मा है उसी का रूप हमारे अंदर भी प्रवेश किया प्रभु ने। प्रभु ने अपने स्वरूप के अनुसार, यानी कि अपने रंग रूप के अनुसार, अपने ही अनुसार इंसान को बनाया। जैसा परमेश्वर का रूप है वैसा ही हमारा रूप भी परमेश्वर ने बनाया, जबकि पशु पक्षियों का इस मामले में बिल्कुल अलग सिस्टम है। दोस्तों, पशु पक्षियों के अंदर दोस्तों प्राण होते हैं, ना कि आत्मा। आत्मा अमर होती है दोस्तों, इसीलिए बेमौत मरने वाले भूत प्रेत भी बन जाते हैं। और पशुओं में प्राण होते हैं दोस्तों, प्राण होते हैं लहू के अंदर। जब पशु पक्षी मर जाता है, लहू सूख जाता है या बह जाता है तो वो प्राण भी निकल जाते हैं और वो प्राण उसी टाइम नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। वहीं मनुष्य के अंदर आत्मा होती है दोस्तों, मरने के बाद आत्मा स्वर्ग में चली जाती है, कुछ आत्माएं पृथ्वी पर भटकती रहती हैं। तो इसीलिए इंसान भूत प्रेत बनते हैं
पशु पक्षी नहीं, क्योंकि भगवान ने इंसान के अंदर आत्मा डाली है, पशु पक्षियों के अंदर प्राण डाले हैं जो उनके मरने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा अमर अजर है। इसीलिए आत्माएं भूत प्रेत बन सकती है, पशु पक्षियों में प्राण होते हैं, जो प्राण कभी भी भूत प्रेत नहीं होते, प्राण मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हम मरे हुए पशुओं से नहीं डरते, क्योंकि कभी भी हमें ये नहीं सुना कि फलाना पशु भूत प्रेत बना था या फलाने पशु का हमने भूत प्रेत देखा। वहीं इंसानों के मामले में बहुत से लोगों का यह दावा है कि उन्होंने सात साक्षात्कार भूत के दर्शन किए हैं या भूत प्रेत देखे हैं। तो इसीलिए दोस्तों मरे हुए इंसान से लोग डरते हैं, मरे हुए पशु पक्षी से नहीं डरते। दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पशु पक्षी भूत प्रेत क्यों नहीं बनते, इंसान भूत प्रेत क्यों बनते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।